को मेंबर बनना हो यहाँ का तो कितना टाइम लगता है? उसमें लगता है 4-5 साल तो लगता है। तो हेलो यूट्यूब, अभी उठाऊ मैं, अभी सुबह का मुझे नहीं पता कितने बज रहे, पर अभी फिलहाल नैनीताल की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ से हम नैनीताल निकलेंगे, 8:34 हो रहे हैं, 8:34 हो रहे हैं। यहाँ से हम लोग निकलेंगे नैनीताल, और नैनीताल से नहीं करेंगे, वहाँ से वापस आ जाएंगे। नैनीताल में रहके भी क्या करेंगे, बाकी रात को स्टे अच्छा रहा। हाँ जी भैया, चाय भी आ गई अपनी, अभी जा रहे अपन लोग बाहर। धनो खड़िया भी आ रहा था, चोबे चिकनी चोबे मजे में हो। क्या बढ़िया प्रॉपर्टी है, वो गार्डन है, ये भी गार्डन है, वहाँ पे बैठने के लिए इस ताप का धूप है शायद, वहाँ बैठने के लिए। क्या बढ़िया, वहाँ बुद्धा जी की बना रखी उन्होंने। बाकी ये तो ऐसा लग रहा हूँ महाराजा सारे मीटिंग करने बैठे हैं घर वाले आज हैं, इसे देख कर ऐसा लग रहा है कि सारे बैठेंगे मीटिंग करने आज यहाँ पे। तो ये कुर्सी सवानी है बाबू जी बड़ी। चलो चाय पी के मिलता हूँ। भाई कौन जब कैमरा बहुत भारी है, जूम करा जूम आउट क्या जूम आउट है। भैया मैं तो हो गया तैयार, मतलब मुंह धोया वैसे और कुछ तो गया नहीं, बाकी तो पजामा पहना हुआ नीचे और ये पहना हुआ पजामा निकाल देना। और अपन लोग जा रहे हैं बाहर, मतलब अब नैनीताल के लिए निकलेंगे। बाकी ये रही प्रॉपर्टी, आगे से दिखाता हूँ, सिनेमैटिक बनाया था रात को मैंने, शायद वापस लाऊंगा आज सुबह भी थोड़ी देर में, अभी नहीं मतलब आके बनाऊंगा। ना वो सूरज है ना, सनसेट होगा उधर तब आएगा, बढ़िया टाइम लैप्स बनाऊंगा इसका। बाकी मैं सोच रहा हूँ एक लैपटॉप ले लेता हूँ अपने लिए, ऐसे ऑन द गो एडिटिंग में फ़ायदा आएगा, वरना यहाँ से क्या करता हूँ मैं, फिर कैमरा लेके जाता हूँ फिर एडिट करता हूँ, मतलब कैमरा लेके जाता हूँ रिकॉर्ड करता हूँ फिर घर जाके एडिट करता हूँ, बहुत चिक वाला काम है, इसलिए ऑन द गो वाली ज़्यादा बढ़िया रहती है। बैठे रात को एडिट करी और रात को अपलोड मार दी, अरे वहाँ फिर अपलोड के लिए कनेक्शन भी चाहिए। अच्छा ये प्रॉपर्टी क्या पड़ गया, वो एंट्रेंस है, वो एंट्रेंस है, ये बीच में एक लोगो है, वो दोनों है वही एक टोए का। चल बना वीडियो, इसको क्या बना वीडियो बना। नैनीताल पहुँच गए मार्केट के बीच में, गाड़ी मार्केट में पार्क पार्किंग ने मार दी रेड, तो कैसे पार्क करवाते हैं बिल्कुल कितनी कितनी जगह पे पार्क कर रहे हैं मेरे से, क्योंकि भीड़ तो काफ़ी है। वैसे लग रही बत्तख जैसी, बिजली चली गई ऑरेंज वर्सेस
अपन लोग तो एंट्री मार दे माल रोड पे। चलो ब्लॉग नहीं बनते मुझे लग रहा है सब मेरे से वो वीडियो कंटेंट ही बनता है। तो फिर यार सीन ऐसा है मैं तो चल रहा हूँ अकेले अकेले पीछे आ रहे मम्मी पापा किट्टू और अपन चल रहा है वो है मॉल रोड। तो ये वाली रोड है ये एंट्री की रोड है मेन टाउन में यहाँ से गाड़ियाँ एंटर होती हैं वहाँ से एग्जिट होती हैं ऊपर से। बाकी अगर किसी को वो लेनी हो रेंट वगैरह पे स्कूटी वगैरह तो वहाँ से थोड़ा सा आगे जाओगे एक डेढ़ 500-600 meters तो वहाँ पर रेंटल का स्टॉल रहता है। ज़्यादा चार्जेस भी नहीं है पर पता नहीं अब शायद बढ़ गया कोरोना के बाद। मैं जब कोरोना से पहले आया था तब आई गेस मैंने एवेंजर के देते अराउंड 500-600 rupees फॉर अ डे तो ठीक था वो। तो अभी साहब यहाँ पे ऐसा हो रहा है एकदम छाव हो रही है एकदम धूप आ रही है एकदम छाव एकदम धूप तो काफ़ी एक्सपोजर में दिक्कत होगी मुझे। वापस लाइट करो भी ऊपर नीचे भी एकदम धूप आ रही है फिर वो लाइट एकदम लाइट बहुत लाइट जा रही है बहुत सारे अभी देखते हैं बोटिंग करते नहीं करते करेंगे तो दिखेगा नहीं करेंगे तो फिर खाना खाएंगे दूर से आकर जाती बोट्स ही बोट्स। बाकी मैंने तो ट्राई मारी हुई है बोटिंग वगैरह बाकी कोई नया आ रहा है नहीं था मैं तो कहीं बोटिंग पक्का ट्राई मारना मुझे ऐसे अच्छा बना रखा उन्होंने बैठने के लिए क्योंकि ये ओपन है कि क्या है देखना पड़ेगा क्लोज दे रहा है किसी और की प्रॉपर्टी है पर बढ़िया है आराम से बैठो गप्पे सप्पे मारो चाय वाय पियो पकौड़े वकड़े पी लो भूख लग गई। तो हम यहाँ पे जा रहे हैं बोट हाउस क्लब नैनीताल यहाँ से सीधा जाओगे तो बोटिंग वाला एरिया आता है तो यहाँ पे क्लब पहले खाएं कि बोटिंग जाएं खाएं। इंजॉय करते थे मज़ा आता था अच्छा लगता था ये भी नहीं कि है तो अभी भी वैसे पहले के जैसे नहीं। ब्रिटिश टाइम में अंग्रेज लोग आते थे बच्चों को अलाउ नहीं था बच्चे चिल्ड्रन रूम में शिफ्ट होते थे अब तो बच्चे सब इधर उधर दाएं बाएं घूमते नीचे आया जी हैं वो बच्चों को देखती हैं अच्छा था सब कुछ अच्छा था अभी भी अच्छा है। कमेटी मेम्बर अच्छे हैं मेम्बर लोग हमको सपोर्ट करते हैं हमारी सर्विस ख़त्म हो गई हमारे को फिर दोबारा रखा उन्होंने और इससे ज़्यादा क्या चाहिए हमें। नहीं सही बात है थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे जैसे एक्सक्लूसिव एंट्री होती होगी ना जैसे हर कोई नहीं एंटर कर सकता ना यहाँ पे नहीं जैसे दूसरे लोग आते हैं जैसे मेंबरों के साथ आते हैं जो जैसे मेंबर हो गए वो तो आ सकते हैं उनके साथ अगर गेस्ट आ सकते हैं उसके अलावा कोई लोकल मतलब ऐसे नहीं आ सकता कोई बिना परमिशन के नहीं आ सकता। तो जैसे अगर किसी को मेंबर बनना हो यहाँ का तो कितना टाइम लगता है आप लोग उसमें लगता है 4-5 साल तो लगता है 4-5 साल लगता है हाँ पूरा लगता है फिर कमेटी मेंबर से बात करनी पड़ती है जैसा वो कहेंगे उसी तरीके से होता है। तो यहाँ का मेंबर बनने में 4-5 साल का प्रोसेस लगता है जिसमें से कमेटी अप्रूव करती है तभी बनते हो बाकी पेमेंट का बता ही दिया मैंने कितने पेमेंट लगती है यहाँ पे बनने के लिए और वो आ रहे ढूंढ डाल के वो
रिनोवेशन चल रही है तो फॉलो। थैंक यू। तो कुछ ऐसा है मंदिर, सबसे पहले एंटर करते ही हनुमान जी की मूर्ति है, उसके बाद वहाँ पे आपने शूज वगैरह के लिए है जिसको भी अपने रखवाने हो, बाकी बाहर तो कोई रखता नहीं, वहीं पे अलाउड, वहाँ पे रख दो। सही है अंदर एंट्री में, यहाँ से एंट्रेंस से ये मेन मंदिर है, मेन मंदिर की रिकॉर्डिंग करने के लिए बना है, बाकी वहाँ पे मंदिर जा रखे हैं। और यहाँ से पूरा धनौल्टी, सॉरी क्या बोल रहा है मैं, यहाँ से पूरा नैनीताल, पूरा नैनीताल पीस है यहाँ पे, शांति। मेन मंदिर को छोड़ के आप यहाँ पे सब कुछ रिकॉर्ड कर सकते हो, तो देख सकते हो मैं वो किसी ने टोका नहीं मेरा, कैमरा लेके लगा हुआ मैं तब से। ये कौन सी मार्केट है? सही तो बोल रहा हूँ ना, भुटिया मार्केट, इस पर भीड़ा। लेट मत करो, ले लो उसका। इधर तो शांति हो गई एकदम, ये पूरी क्लोथिंग वाला लग रहा मुझे, पूरी मार्केट वो बाहर खाने का है। ये पानी नहीं, कंजेस्टेड है ना, कुछ समझ नहीं आ रहा कौन क्या भी लगा के चलता रहा, इसने मेरी गाड़ी भी रखी थी ऐसे पार रुकती गाड़ी लड़ा नहीं। चलो 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 चलो, अपना तो हो गया आज का नैनीताल का सीन ख़त्म, अपन लोग निकल रहे। बस वो मेरा तो मूड ख़राब हो रहा है, टाइम लैप्स नहीं ले पा रहा मैं सनसेट का, तो फिलहाल रुक जा भाई साहब रुक जा, इसके वो कहें हम ताम जाम, आवाज़ भाई गूंजी गूंजी लग रही मेरी, तो हो गया पैक सैक करेंगे सामान और रवाना, और कल सुबह यहाँ से अभी वहीं जाएंगे रूम पे। थोड़ा ठंड निकल दे, ठंड से लग रही है। किसको लग रही है ठंड? मुझे लग रही ठंड निकल दे। अब जाएंगे रूम पे, अब इसको करता हूँ मैं अपना कैमरा पैक, और जाओ मम्मी। हाँ रुक जा जरा एक सेकेंड, मैं स्वेटर निकाल दे मम्मी। कहाँ रखा हमने? ये रखा हुआ ना, नीचे वाला पूरा निकाल दो ना, तम दे चलो पैक करें।